यहाँ तक हमने अपनी एप्लीकेशन को बहुत सिंपल कर दिया है, जिसमें हमने जो आउटपुट इमिटर थे वो हटा के हमने सर्विसेज यूज़ की हैं। सर्विसेज से हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी इजी हो गई है। तो यहाँ पर ये जो हम नहीं यूज़ करे तो हम हटा देते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, जो हमने इवेंट बाइंडिंग यूज़ की थी तो ये हम हटा देते हैं। हाँ से सेव करते हैं कि हम ये यूज़ नहीं कर रहे, इसकी जगह हमने सर्विसेज यूज़ की हैं। उसके बाद ये जो कमेंटेड कोड था आउटपुट वाला, ये भी हटा देते हैं। इसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी देखने में सही लगेगी। तो न्यू अकाउंट में भी ये जो कमेंट कोड था वो मैंने हटाया। तो अब हम देखते हैं कि हम सर्विसेज में कैसे इवेंट इमिटर लगाकर कंपोनेंट में उसको इमिट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सेट टू एक्टिव पे तो मेरे पास ये आए, अलर्ट आए, सेट टू इनएक्टिव करूँ तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आए। ये ओके करके हटा देते हैं और इसको सेट टू इनएक्टिव, तो यहाँ पे मैसेज मेरा पूरा लिखा हुआ आता है कि इनएक्टिव वाला। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अकाउंट सर्विस में स्टेटस अपडेटेड इक्वल टू न्यू इवेंट इमिटर और स्ट्रिंग उसको मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया है कि इस अकाउंट स्टेटस में यहाँ पे स्टेटस अपडेटेड अकाउंट सर्विस से स्टेटस अपडेटेड कॉल किया डॉट इमिट और इसके अंदर स्टेटस भेज दिया क्योंकि वो स्ट्रिंग ले रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू अकाउंट की जो TS थी यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको सब्सक्राइब कर दिया, स्टेटस स्ट्रिंग लिया, अलर्ट में न्यू स्टेटस, फिर यहाँ पे स्टेटस दे दिया। इससे क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पर किसी जो टैब्स है हमारी अकाउंट एक्टिव की सेट टू एक्टिव क्लिक करती हूँ तो वो न्यू स्टेटस एक्टिव आ रहा है, सेट टू अननाउन करती हूँ तो न्यू स्टेटस अननाउन आ रहा है। तो हम इवेंट इमिटर जो है वो सर्विस में डाल के भी आगे इमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन होती है, सर्विसेज को हम यूज़ करके आगे कंपोनेंट में उनके मेथड यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी एप्लीकेशन सिंपल हो गई है, बजाय कि हम आउटपुट और इनपुट यूज़ कर करके अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा कम्प्लेक्स करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।